हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड होने वाली है। यहाँ पे मौसम भी खराब है, लेकिन यहाँ से हमें जाने में लगभग एक घंटा लगेगा। तो बस एक घंटे तक कोई बारिश नहीं आए, फाइनली पहुँच गए अपने सेंटर पे। और इधर भी पार्किंग का कुछ भी जुगाड़ नहीं है, तो यहाँ पे रोड पे ही गाड़ी लगाना पड़ता, तो यहाँ पे गाड़ी लगा दिया हूँ। और उधर कुछ ज़्यादा ही भीड़ था, इस वजह से वहाँ पे लगाया नहीं। और पहुँचने में एक घंटा लग गया, क्योंकि मेरे कॉलेज से लगभग 3 किलोमीटर आगे है ये कॉलेज। अभी सबसे पहले एक ब्लैक पेन ले लेता हूँ OMR सीट भरने के लिए, उसके बाद जाएंगे अंदर। ये देख सकते हैं, इसका मेन गेट है, ये इसका नंबर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कैसे कैसे लिख दिया, मतलब पूरा उल्टा सुल्टा लिख दिया। सब कॉलेज का अलग अलग करके देना चाहिए ना। देखिए, आप सीधे लिख दिया CM कॉलेज कॉलेज वाले रूम नंबर दिया है, मतलब सब्जेक्ट मैथिली ऊपर लिखा हुआ ना, उसको नहीं देखना। यहाँ है वहाँ 73 में कहाँ गया, यहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट्री ये लिखा हुआ, लेकिन सर केमिस्ट्री है, लिख दिया तो कैसे होगा। यूनिवर्सिटी के लिए CM कॉलेज यहाँ है 779, मेरा 800 समथिंग है, 73 में होगा मेरे हिसाब से, तो रूम नंबर 5 में होगा। 757। पूरा रूम नंबर को खिचड़ी बना के रख दिया, कुछ उसमें समझ ही नहीं आ रहा। PG फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है ऑल सब्जेक्ट का लगभग, तो सभी सब्जेक्ट का उसी में दे दिया, जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में है या किसी कॉलेज में, सबको एक ही में मिक्स कर दिया। चलो देखते हैं, अपना तो रूम नंबर 5 है, अब वहाँ पे जाने के बाद ही कंफर्म होगा। अगर गलत भी रूम नंबर रहा तो बाद में तो चेंज हो ही जाएगा। अगर आप मिल्लत कॉलेज तक आना चाहते हो ना, तो इसका 3-4 रास्ता है। सबसे अच्छा रास्ता ये रहेगा कि आप गूगल मैप पे जाना और डायरेक्शन ऑन करना और पहुँच जाना, मेरे बताने से अच्छा होगा। और शॉर्टकट रास्ता भी है, गली भी है। दरभंगा के लगभग सभी जगह का मैप पे अपडेट है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट मैप से आ सकते हो, वो अच्छा रहेगा। तो अभी कॉलेज के पास तो पहुँच गए हैं, 9:30 से 12:30 तक एग्ज़ाम है और अभी एंट्री ले रहा है। पेन ले लेते हैं, यहाँ से ब्लैक पेन होगा, ब्लैक पेन दे दो। एक पेन के लिए 6 रुपये चेंज था, नहीं 100 का नोट दे दो, बोला नहीं होगा। बोले एक काम कर भाई, तू पेटीएम ले ले, तो उसको 6 रुपये के लिए हमें पेटीएम करना पड़ा, वैसे काम हो गया। और आज ना ही अपने पास कोई बैग है, नहीं मेरा भांजा साथ में आया, क्योंकि उसका एग्ज़ाम कल है, डेट अलग अलग है दोनों का, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है इस वजह से। तो आज ओनली एडमिट कार्ड, पेन और ID कार्ड, बोले तो आधार कार्ड, बस इतना ही रहेगा। और ये मोबाइल है, अगर बैग लाता तो प्रॉब्लम हो जाता, कहाँ उसको रखना पड़ता, क्योंकि ये तो अपना कॉलेज है नहीं इस वजह से। एग्ज़ाम है 9:30 से, लेकिन अभी देख रहा हूँ सब अंदर चला गया, अभी ओनली 9:05 हुआ। चलो हम भी जाते हैं फिर अंदर, देखते हैं, मैं भी चांस मिल जाए तो आप लोग को पूरा अंदर का दिखा देंगे वीडियो। हमें लगा कि पार्किंग नहीं है, लेकिन बाद में वॉचमैन था, बोला कि स्टूडेंट सिर्फ अंदर लगा सकते हो, तो ये है इस कॉलेज का पार्किंग। तो अभी अंदर में बाइक लगा दिया ना, तो थोड़ा सेफ्टी रहेगा अपने लिए, और उसमें हेलमेट भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर में सेफ्टी नहीं है, कोई लेके भाग जाए फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो अभी हम आ गए कॉलेज के अंदर, और अभी पहले हमें रूम ढूंढना है, ठीक है, कौन सा अपना रूम है। 2016 में इस कॉलेज में एडमिशन कराए थे, लेकिन कुछ कारणवश हम इस कॉलेज को छोड़ दिए थे। यहाँ पर पहले जो उधर देख रहे सामने ना, वहाँ पर पहले काउंटर हुआ करता था, और अभी किधर है काउंटर वो पता नहीं है। अभी हमें पहले रूम नंबर 5 ढूंढना है, इधर तो दिख नहीं रहा, इधर 19-20 दिख रहा है। ओनली 5 मिनट रह गया एग्जाम स्टार्ट होने में, केमिस्ट्री और हिस्ट्री तीनों रूम नंबर 5 में ही जाएगा, तो अभी चलते हैं रूम नंबर 5 में। कॉलेज बना था 1957 ईस्वी में, और इस कॉलेज का A to Z डिपार्टमेंट इस तरफ है, इस तरफ यहाँ पे गार्डन लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ही है, और इसका ऑफिस भी इधर ही है। पीछे इतना ज़्यादा भीड़ इसलिए कि अभी फर्स्ट सीटिंग वाले का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, और सेकंड सीटिंग वाले अभी जस्ट एंट्री ले रहे हैं, इसको अभी रोक देना चाहिए था, हम लोग निकल जाए उसके बाद अंदर आने देना चाहिए था। पार्किंग यहाँ पर अपनी बाइक भी लगी हुई है, और इस तरफ क्या, इस बिल्डिंग का नाम है गोल्डन जुबली बिल्डिंग, और इस तरफ सामने है कैंटीन, और यहाँ पे सब अभी रूम में एंट्री लेने के लिए लाइन लगे हुए हैं।
एग्जाम सेंटर के बाहर इतना ज़्यादा भीड़ लग जाता है जो पूरी तरह से मूड खराब हो जाता है। अभी हम लहरियासराय टावर की तरफ आए थे तो यहाँ पे मेडिसिन लेना, उसके बाद जाएंगे घर की तरफ। कितना बिल? 976। देख लीजिए एक बार, उसको थैली में पैक कर दीजिए। 976 फोन पे कर दे क्या? धूप में 3 घंटा गाड़ी रहने से उसका हवा भी निकल गया, फिर हवा डलवाना पड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा लस्सी पीते थे। जितना आ रहा सब भीग गया अच्छे से। जिस चीज़ का डर था हमें जाने टाइम में, वही चीज़ हो गया आने टाइम में। लेकिन जाने टाइम में एक चीज़ अच्छा हुआ जो एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए थे, लेकिन अभी घर जाने टाइम में बारिश हो गया। और एक चीज़ और अच्छा हुआ, जो बारिश जब स्टार्ट हुआ तो हम ब्रिज के जस्ट नीचे ही पहुंचने वाले थे, जो बारिश स्टार्ट हुआ तो ज़्यादा भींगे नहीं, बस थोड़ा बहुत भींगे। और पानी इस तरह हो रहा है ना कि धूप निकला हुआ और बारिश भी हो रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।